शर्मा जी तू कौन मैं खा मखा? नहीं वो तो देखिए दिनेश जी, ये तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है, वो हर बार ये मुँह की खाते हैं फिर उसी तरह खड़े हो जाते हैं। आपने यानी इनकी ये हालत हो जाती है, अभी यहाँ कुछ बोलेंगे, जब कोई अमेरिका पहुँच जाएंगे तो इनकी भाषा कहीं और बदल जाएगी। अब तो अमेरिका की यात्रा भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए हवाई जहाज़ भी नहीं मिलेगी, रेगुलर प्लेन से जाना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं आप जानते हैं। फिर वहाँ जाके इमरान खान क्या क्या कह बैठते हैं, खुद ही स्वीकार लेते हैं हम तो आतंकवादी देश हैं, हम ठीक है जी हमारे यहाँ पला था पहले, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं इस पर बहुत कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान पे बोलने का मतलब अपने समय बर्बाद करना है। लेकिन दिनेश जी दो बात मैं कहूँगा, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज पीडीपी के भी और एनसी के दोनों प्रवक्ताओं को मैंने सुना, पहली बार मुझे दिनेश जी ये ध्यान आया कि ये लोग विकास पे भी बात करते हैं। और आज हमने इनको, हमने नहीं जम्मू कश्मीर की जनता ने मजबूर किया है दिनेश जी कि ये विकास पे बात करें। क्या कहा इन्होंने, पहले तो मैं इनको बताऊं, पहले इन्होंने कहा कि साहब पैसा आया है, मैं बीडीसी मेंबर हूं, आप पैसा जो आया है। कह रहे ना के शर्मा जी, मैं माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर होगा कि मैं अपने संवाददाता अभिषेक उपाध्याय जो पिछले करीब डेढ़ हफ्ते से कश्मीर में है उनके पास जाऊं। और जीशान भाई आपके लिए भी ठीक रहेगा कि आप जरा उनकी निगाहों से देखते हैं, हमारे जर्नलिस्ट वहां पहुंचे हुए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अभिषेक उपाध्याय, और उनकी रिपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो यही बताती हैं कि वहां हालात बहुत बेहतर हुए हैं, लोग खुद मुख्तार हो रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और अमन का फायदा उनको डे टू डे लाइफ में मिल रहा है जो वहां बहाल है। अभिषेक उपाध्याय आप जहां पर मौजूद हैं, कौन सी जगह है वो, वहां से क्या दिखाई देता है, आपने क्या महसूस किया, और अगर आसपास लोग हैं उनसे बात कीजिए प्लीज जल्दी से। देखिए मैं दिनेश इस समय श्रीनगर के जीरो ब्रिज पर हूं और आप पहली तस्वीर देखिए, झेलम नदी है, जीरो ब्रिज है और चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं। पहली यही तस्वीर है जो एकदम से लगता है कि क्या कुछ बदला है, उसकी गवाही दे रही है। और देखिए यहां पर एक बैंड हमको दिख रहा है, ये बहुत देर से यहां पर आप लोग गा रहे हैं, क्या कश्मीरी में गा रहे हैं मालूम पड़ा आप लोग? हाँ, एक दो कश्मीरी गाना, कश्मीरी में गा रहे हैं, वो भी जीरो ब्रिज पर, झेलम की लहर है पीछे है सर। सर ठीक है, तो आपसे हम बातें ना करें, गाना सुने सीधे, ठीक है चलिए। कौन सा सुनाएंगे, कैसे बताए, बॉलीवुड सॉन्ग है? अच्छा, अरे नहीं कश्मीरी में जो गा रहे थे जी सर, वही वाला। हाँ जी सर, लगा दे कठियार शुभे मुबारा दूबा बिचना शुशा छयार शुभे मुबारा कठियार शुभे मुबारा। बहुत बढ़िया गाते रहिए। इधर देखिए यहाँ पर जो है तिरंगे जो लहरा रहे थे हमको यहाँ पर दिख रही हैं महिलाएं, कुछ तिरंगे आप लहरा रहे थे यहाँ पर? हाँ जी, आज हमने तिरंगा लहराया यहाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा जैसा आज तिरंगा लहराया है पहले यहाँ ऐसे? पहले यहाँ कभी नहीं ऐसा, पहले कभी ऐसा नहीं देखा, पहले कभी ऐसा नहीं। इधर ये गाना भी चल रहा है, कश्मीरी गाना भी चल रहा है, दिन दाड़ी जो है यहाँ तालियां बजा रही हैं, दिन दाड़ी। हाँ बिल्कुल, कश्मीरी गाना चल रहा है, दिन दाड़ी जो कर रही है ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरा तिरंगा लेके लोग घूम रहे हैं इस पर जी बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर कश्मीर में हुआ जो तिरंगा लहराया जाता है, ये फर्स्ट टाइम हुआ कश्मीर में, पहली बार। हर कोई कह रहा है पहली बार, पहली बार। पहले मैं भारत माता की जय, जय हिंद बोलना चाहता हूँ मैं, और ये चमत्कार है ऊपर वाले का, और मैं आज बहुत कुछ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, आज जीरो ब्रिज पर तिरंगे तिरंगा दिखाई दे रहा पूरा। चलिए अभिषेक, ये जो आपने दिखाया है जरा इन तस्वीरों के साथ, और मैं देख रहा था जीशान भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। जीशान भाई ये सब खलता है क्या आपको? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग जो हैं ये समझ, कभी मुझे लगता है ये समझ नहीं पाएंगे कि आप जब तब तक हमें एक ऐसी नजरिए से देखेंगे कि हम, आप हमें हिंदुस्तानी नहीं तस्वर करेंगे तो ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया है होता कि ये बाहर से जुड़ रहे हैं हमारे एक मेहमान जीशान भाई, अगर आप कोई हिंदुस्तानी तस्वर ना करता। मैंने आपसे, आपने एक बात पूछी कि आप कौन सी रिपोर्ट में ऐसा देखते हैं, आप कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? मैंने आपको दिखा दिया, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, जीरो ब्रिज की बात कर रहा हूँ, आप बताइए आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप
अगर 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 प्रधानमंत्री साहब जो है दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी की बात नहीं करते तो मैं समझ जाके अरे शाह महमूद कुरैशी जो आज कह रहे हैं वो आप दोहरा रहे हैं, यही इत्तेफाक तो मैं समझना चाह रहा हूँ। दो साल के बाद शाह महमूद कुरैशी जो बात दिल की दूरी दिल्ली की दूरी की बात करते हैं, जो बात उनको याद रहती है जहन में वही आपको याद रहती है, क्या इत्तेफाक है? महमूद देखिए शाह महमूद कुरैशी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने प्रधानमंत्री की भी बात करूंगा कि अगर दो साल के बाद भी प्रधानमंत्री अरे तो उस प्रधानमंत्री का उठाया हुआ कदम वो जो वहाँ रिजल्ट दिखाई दे रहा है उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जो लोग गा रहे हैं वहाँ वो गा बजा रहे हैं, जो तिरंगा लहरा रहा है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वी कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। आप किस तो तिरंगा यहाँ 26 अक्टूबर 1947 के बाद हर 15 अगस्त 26 जनवरी को हिंदुस्तान का तिरंगा जो है जम्मू कश्मीर में लहराया गया है। अरे जो मैंने दिखाया उस पर बात कीजिए ना, आप कह रहे थे कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको दिखाई तस्वीर। तो नहीं तो आप तो मैं भी कश्मीर की तो मैं भी कश्मीर की बात कर रहा हूँ। 5 अगस्त 2019 से पहले भी तिरंगा यहाँ पे लहराया करते थे यहाँ के लोग, हम हिंदुस्तानी हैं, मैंने ये पहले भी क्लियर किया दैट जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये कौन से लोग हैं जो बैठे हैं अभी? आपने हमारे ये जो लोग बैठे हैं ये कश्मीरी नहीं है क्या? किस तरीके से ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कश्मीरी नहीं है, ये आपके लोग नहीं है क्या? देखिए 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 मेरी बात समझ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कि आपने हमारी आइडेंटिटी को खत्म किया, आपने हमारी खत्म किया, ये दरार तो आप डालते हैं और कहते हैं हमको हिंदुस्तानी तसव्वुर कीजिए। अभिषेक उपाध्याय किनकी किनकी दुकानें बंद हो रही हैं वहां और किनके दिल खिले हुए हैं? देखिए जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में जो तस्वीरें हैं दिनेश वो आपके सवाल का जवाब दे रही हैं। कई बार ऐसा होता है शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, तस्वीरें सब कुछ कहती हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, लॉन्ग शॉट में चेतन दिखाई गई, जीरो ब्रिज है और मैं भी हमारे साल 2013 से लगातार कश्मीर कवर कर रहा हूँ। ऐसी तस्वीर दिनेश साल 2013 से आज तक नहीं देखी। बिल्कुल दिनेश मैं कह रहा हूँ साल 2013 से लगातार कश्मीर कवर कर रहा हूँ, जीरो ब्रिज पर ना जाने कितनी रिपोर्टिंग की है, ऐसी तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी है। पूरा यहाँ से लेके पीछे तक तिरंगा, और मैं आपको ये तस्वीर और दिखाऊँ, देखिए नया कश्मीर यहाँ लिखा हुआ है, ये जो सिम्बोलिज्म है ये नया कश्मीर और नीचे लिखा है तिरंगा कश्मीर, ये वाकई एक बहुत नए किस्म का सिम्बोलिज्म है। और जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ दिनेश, यहाँ के लोगों की जुबानी, ये जितनी बार आपको गाना गाते हुए झूम रहे हैं, बिल्कुल बमरो बमरो शाम रंग बमरो, किस बगिया से आयो, हम कहते हैं कश्मीर के बगिया से आए। एक सेकंड अभिषेक, आज ये कश्मीर से है, तमाम ये कश्मीर से है तो कहाँ के रहने वाले हैं और इनको कश्मीर के हालात कैसे दिखाई देते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यहाँ कोई विकास नहीं दिखाई देता, यहाँ सप्रेशन दिखाई देता है, जरा इनसे पूछिए क्या हालात है। आ रहा हूँ हरबख्श जी, आ रहा हूँ सारे कश्मीर के ही लोग हैं, कोई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो तो जरा पूछिए ना, कश्मीर के ही रहने वाले कश्मीरी सारे लोग हैं यहाँ पे कश्मीर के। कश्मीर में कैसे हालात, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने पुराने हालात में देखे होंगे, नहीं देखा ऐसे, ऐसा कभी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल आज पहली बार देखा है। और आप तो तिरंगा लेकर के पूरा घूम रही थी, जीरो बहुत ही मजा आया, पहली बार हुआ ना ऐसा, पहली कल्पना कभी नहीं हो सकती, नहीं कभी नहीं, पहली बार ये तिरंगा हमने हाथ में उठाया, 70 सालों के बाद ये पहली बार हो गया ऐसा, 70 सालों में। अभिषेक एक आखिरी सवाल जल्दी से पूछिए, हो गया है अभिषेक, यहाँ जीशान कह रहे हैं हमारी पहचान छीन ली, इनसे पूछिए पहचान क्या है इनकी और छीन गई क्या, जल्दी पूछिए। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहचान आपकी यही तिरंगा, यही पहचान है, यही पहचान तिरंगा, पहचान कोई छीन नहीं पा रहा है, नहीं नहीं, जिनकी पहचान तिरंगा है उनको नाज है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।